नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय बर्ड्स माय लव। मैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा और सुंदर पंछी लॉन्ग टेल फिंचेस के बारे में। दोस्तों, बाकी फिंचेस की तरह लॉन्ग टेल फिंचेस भी बर्ड लवर्स के लिए एक बहुत ही परिचित नाम है। ये लॉन्ग टेल फिंचेस सेप्टेल फिंचेस के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बाकी लगभग सभी जो फिंचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। इसी तरह लॉन्ग टेल फिंचेस भी ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा और बहुत सुंदर पंछी है। इन लोगों में जो मेल होता है, मेल का एक अलग किस्म का कॉलिंग होता है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मेरे सेटअप में 5 पेयर लॉन्ग टेल फिंचेस हैं। मैं जब ये फिंचेस लाया था और उनके लिए जो मैंने अपने पसंद का एक बहुत सुंदर सा छोटा सा कॉलोनी बनाया था, तो वो वीडियो मैंने अपने चैनल में शेयर किया था आप लोगों से। आप लोग देखे होंगे, अगर नए भी देखे होंगे तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग टेल फिंचेस के बारे में हम लोग आज कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरा लॉन्ग टेल फिंचेस का ये वीडियो आप लोग देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर सकूँ लॉन्ग टेल फिंचेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक्स और कमेंट्स देना मत भूलना दोस्तों। तो सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। लॉन्ग टेल फिंचेस का साइंटिफिक नेम होता है पोएफेलिया एक्यूटिक्यूडा। ये उत्तर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उत्तर ऑस्ट्रेलिया का जो एस्ट्रिलिड प्रजाति का जो फिंचेस होता है उनमें से एक है ये लॉन्ग टेल फिंचेस। इनका शरीर लाइट येलोइश ब्राउन कलर का होता है और इसके सर का रंग लाइट ग्रे कलर का होता है और इनके आँखों के दोनों तरफ और गले के ऊपरी हिस्से में ब्लैक कलर देखे जाते हैं। ये देखने में कैसा होता है ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि इनको पहचानने में हमें आसानी हो जाए। इनका सबसे स्ट्राइकिंग जो फीचर होता है दोस्तों, इनका गले में और चेस्ट या बुक के ऊपरी हिस्से में जो बीब्स होता है, जो हम बंगाली में नालपोस कहते हैं, जो बच्चों के गले में लगाया जाता है, उसी तरह ये बीब्स होते हैं और प्रोमिनेंट ब्लैक कलर का ये बीब्स होते हैं। और इनके पूंछ भी बहुत लंबा होता है और ये पॉइंटेड पूंछ होता है, इसीलिए इन लोगों को लॉन्ग टेल फिंचेस कहा जाता है। इनका शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें आप देखिए मेरे सेटअप में बार्स को, जो पिंक और ब्राउन कलर का एक मिक्सचर होता है एंड ये जो बीब्स होता है उनके बुक में तो ये डार्क ब्लैक कलर का होता है। बुक और चेस्ट का नीचे का हिस्सा और पेट के नीचे का हिस्सा थोड़ा धुंधला सा कलर का होता है और ये इनके जो कान होता है उस कान के दोनों तरफ के कान से ही सफ़ेद कलर का शेड हमको देखने को मिलता है और आँख के दोनों तरफ ब्लैक कलर होता है। लॉन्ग टेल फिंचेस का मेल 160 मिलीमीटर तक लंबा होता है और जो मेल होता है उनका वज़न 13.5 से लेकर 16.2 ग्राम तक हो सकता है और फीमेल का वज़न 11.4 से लेकर 17.6 ग्राम तक हो सकता है। इनका होंठ का रंग डीप रेड कलर का होता है, कभी कभी ऑरेंज और येलो कलर का भी देखा जाता है। दोस्तों, जनरली वो होंठ का रंग डीप रेड जो होता है वो मेल होता है और जो हल्का सा रेड या ऑरेंज या येलो कलर का होता है होंठ तो वो फीमेल होता है। लेकिन कभी कभी इनका एक्सेप्शन भी देखा जाता है, इसीलिए होंठ के कलर से उनका मेल फीमेल डिटेक्ट करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जनरली देखा जाता है कि मेल का जो ओवरऑल कलर होता है वो ब्राइट होता है फीमेल से और फीमेल का थोड़ा सा हल्का सा कलर देखा जाता है। इनका मेल फीमेल ठीक से कंफर्म करने के लिए दोस्तों डीएनए टेस्ट कर लेना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन कुछ फीचर्स होता है जो हमको मेल फीमेल
चॉइस करने में हेल्प करता है, जैसे कि उनका होंठ का जो कलर होता है डीप रेड कलर का होता है तो वो मेल है, और हल्का रेड पिंक या ऑरेंज कलर का होता है और येलो कलर का होता है तो वो फीमेल है। मेल का सर फीमेल से बड़ा होता है और जो पूंछ होता है वो भी मेल का ज़्यादा लंबा होता है फीमेल के पूंछ की लंबाई से, और वो ऊपर का बुक के हिस्से में जो बीब्स होता है वो नालपोस का तरह जो स्पॉट होता है ब्लैक स्पॉट वो फीमेल का थोड़ा सा छोटा भी होता है और हल्का सा ब्लैक कलर का होता है, लेकिन मेल का बड़ा सा बीब्स होता है और वो देखने में भी बहुत ब्राइट लगता है। ओवरऑल मेल का कलर ब्राइट होता है और फीमेल का थोड़ा सा धुंधला सा हल्का सा कलर होता है। मेल थोड़ा अलग तरीके से कॉलिंग करके फीमेल को बुला सकता है, लेकिन फीमेल सिर्फ जनरल पंछी की तरह कीचिर मिचिर कर सकता है, वो उस फीमेल की तरह कॉलिंग नहीं कर सकता। अब बताते हैं उनके ब्रीडिंग के बारे में। ब्रीडिंग के लिए दोस्तों अगर वो जो एडल्ट होने का वक्त जो उनका फेदर्स निकलता है वो फेदर्स ठीक से निकलने के बाद ही वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग उनसे ठीक ठाक ब्रीडिंग चाहते हैं तो हमें 10 महीने से 12 महीने तक वेट करना चाहिए ताकि वो फिजिकली कम्प्लीटली मैच्योर हो सके, ब्रीडिंग के लिए तैयार हो सके। ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेस्ट में ये जब रहते हैं तो बरसात के मौसम के बीच में ये लोग ब्रीडिंग करते हैं, और ऑटम में या स्प्रिंग टाइम में भी ये लोग ब्रीडिंग करते हैं देखा जा रहा है। लेकिन अगर ये हमारे पास केज में रहते हैं और हम लोग इनका सही तरीके से देखभाल करते हैं तो ये पूरे साल ही ब्रीडिंग करने के लिए तैयार रहता है। तो ये मेल फीमेल मेटिंग के कुछ ही दिनों में ही ये अंडे देते हैं, जनरली 4 से 6 अंडे देते हैं, 4 से 6 अंडे ये लोग देते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अंडे पे बैठते हैं इनक्यूबेशन के लिए, और 14 दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आते हैं और 3 हफ्ते के अंदर बच्चे नेस्ट से बाहर निकलने के काबिल हो जाता है, लेकिन उनको सेल्फ फीडिंग होने में थोड़ा और वक्त लगता है, लगभग 1 महीने का वक्त लग जाता है बच्चे को सेल्फ फीडिंग होने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं उनके केज के बारे में या कॉलोनी के बारे में। हम दोनों तरीके से उनका पालन अपने घर में कर सकते हैं, सेपरेट केज में भी कर सकते हैं और कॉलोनी बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन केज के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। जो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जितने अच्छे और बड़ा केज हम लोग बर्ड्स को दे सकें उतना ही अच्छा होता है ब्रीडिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा केज मिलने से वो लोग अच्छी तरह फ्लाई कर सकते हैं और फ्लाई करने से उनका हेल्थ अच्छा रहता है, और हेल्थ अच्छा होता है तो ब्रीडिंग भी अच्छा मिलता है। लेकिन फिंच के लॉन्ग टेल फिंचेस के लिए कम से कम 2 फीट बाई 1.5 फीट का केज लेना ही चाहिए, मतलब 2 फीट लंबा 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट ऊंचा केज हमको देना चाहिए लॉन्ग टेल फिंचेस को अच्छे ब्रीडिंग के लिए। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि टेम्परेचर तापमान का भी 50 से 59 डिग्री फारेनहाइट मतलब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनका बहुत प्रॉब्लम होता है। फिंचेस ऐसे ही कोल्ड सेंसिटिव बर्ड है तो सर्दी के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होता है अगर टेम्परेचर इससे नीचे हो गया तो। अब बताते हैं उनके नेस्टिंग के बारे में। नेस्टिंग के लिए दोस्तों हम जब घर में फिंच लॉन्ग टेल फिंचेस रखते हैं तो उनके लिए हम वुडन बॉक्स भी दे सकते हैं और प्लास्टिक या बांस का बनाया हुआ बास्केट भी दे सकते हैं। देखिए मैंने प्लास्टिक का बास्केट यूज़ किया है, और नेस्ट बॉक्स भी हम लोग दे सकते हैं। तो कैसे मैं उनका नेस्ट बनाया था उसका वीडियो भी मेरे चैनल में है, मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों से, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये नेस्टिंग मटेरियल्स के लिए देखिए मैंने नारियल का छिलका यूज़ किया है। नारियल का छिलका, घास या इस तरह कुछ भी मटेरियल्स जो हमको मिलता है ग्राउंड के ऊपर जो पेड़ होते हैं घास की तरह जो भी हो पत्ते की तरह कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इनसे वो फिंचेस बहुत अच्छी तरह अपने नेस्ट बनाता है। ये पूरी तरह गोल और डोम शेप का नेस्ट बनाता है और उसमें वो लोग अंडे भी देते हैं। मैंने तो देखिए दोस्तों नारियल का छिलका यूज़ किया है और उसमें बहुत अच्छी तरह वो लोग नेस्ट बनाया और अंडे देना भी इसमें शुरू कर दिया है। अब बताते हैं उनके डाइट के बारे में। जो केज में हम लोग पंछी रखते हैं तो उसका डाइट का हमें पूरी तरह ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो
खुद खाना नहीं खा सकता। तो फिंचेस के लिए दोस्तों हम लोग जो ग्रीन लीव्स होता है, जैसे कि केल होता है, मतलब पत्ता वाला जो कैबेज होता है, सिल्वर का बीट का जो पेड़ होता है उनका पत्ता हम दे सकते हैं, स्पिनिच या पालंग साग हम दे सकते हैं उनको खाने के लिए। और ब्रीडिंग के टाइम में अगर हम लोग उनको कुछ लाइव वार्म्स दे सकते हैं, जैसे कि मिल वार्म्स, टर्माइट्स, ये सब अगर हम लोग दे सकें तो बहुत अच्छा होता है। और हफ्ते में कम से कम 3 दिन उन लोगों को एग फूड देना चाहिए। एग फूड में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ग्रेटर में आप बॉइल्ड एग ग्रेट कर लीजिए और उनके साथ थोड़ा सा बिस्किट्स का जो डस्ट होता है वो एक साथ मिला के दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरह वो लोग खाएंगे। और जो सीड मिक्स हम लोग देते हैं, सीड मिक्स के बारे में एक बात ज़रूरी है दोस्तों, इसके साथ कैनरीज और जो मिलेट्स का वैरायटीज होता है, 3-4 तरह का मिलेट ज़्यादा मिलाकर हम कंगनी दाना के साथ ये फिंच को सीड मिक्स के तरह दे सकते हैं, तो ये उनके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये फूड ब्रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है दोस्तों। और एक बात हमको याद रखना है कि लॉन्ग टेल फिंचेस के देखभाल में हम लोगों को ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में डिजीज़ का होने का, कुछ बीमारी होने का आशंका ज़्यादा रहता है। जैसे कि उनका नियमित रूप से डीवॉर्मिंग हमको करना चाहिए और पैरासाइट कंट्रोल भी करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं फिंचेस बहुत ज़्यादा समय ग्राउंड में बिताते हैं, केज में रहते हैं तो केज के ग्राउंड में, या कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी का ग्राउंड में ये लोग कभी कभी समय बिताना पसंद करता है। तो उनका जो ड्रॉपिंग्स होता है, पॉटी होता है, उससे उनका पैरासाइट इन्फेक्शन का संभावना रहता है, तो इसीलिए पैरासाइट कंट्रोल करना चाहिए और केज और या कॉलोनी को भी बहुत साफ सुथरा रखना है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक तरह से देखभाल अगर हम कर पाए तो ये 7 से 10 साल तक हमारे साथ रहता है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं इतने दिन उन लोगों को ज़िंदा रखने के लिए हमें उनका स्पेशल केयर तो लेना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और दोस्तों में शेयर करना और लाइक्स और कमेंट्स देना मत भूलना, और अपने वीडियोस मेरा देखते रहिए दोस्तों, और अच्छे रहिए, अपने बर्ड्स को भी अच्छे रहिए। और आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा का शुभकामना जनाते हुए हम ये वीडियो अभी कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।